असत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये SBI बैंक का वही ATM है जिसे चोरों ने देर रात निशाना बनाते हुए लूट लिया। CCTV में कैद दिखाई दे रहे ये वही चोर हैं जिन्होंने देर रात राजीव कॉलोनी की मुख्य सड़क पर स्थित SBI बैंक के ATM को अपना निशाना बनाते हुए ATM का शटर का ताला तोड़कर उसमें लगी मशीनों से कैश निकाल लिया और जाते जाते ATM मशीनों को आग के हवाले कर गए। पुलिस के मुताबिक घटना लगभग 3 बजे की है जब चोरों ने ATM को निशाना बनाया। वहीं पड़ोसी दुकानदार की माने तो जब वो अपनी दुकान पर लगभग 6:30 बजे पहुंचे, उसने ATM के साथ लगी हुई दुकान के शटर के ऊपर से धुआं निकलता हुआ देखा, जिसके बाद वहां के गार्ड ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पड़ोसी के मुताबिक इस रोड पर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की कारनामे होती आ रही है। आपने सुबह आए तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर फाड़ लिया गया शटर? नहीं, शटर उखड़ा हुआ था या क्या स्थिति थी? पुलिस मौके पर शटर बंद था, फिर ये धुआं देख करके आपने अंदर लगा जो काले तो खत्म ही जहाँ अंदर अंदर धुआं था। अच्छा, और क्या नाम ऊपर एक दीवार लेंटर काला पड़ा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो कब देखा आपने, कितने बजे? 6 बजे। फिर क्या पुलिस को इसकी आपने सूचना दी थी किसी और ने? गार्ड, गार्ड यहाँ पर तैनात रहता है, उस समय गार्ड नहीं था शायद यहाँ, मतलब रात को क्या गार्ड होता नहीं यहाँ पर? रात में बंद रहता है। वही इस मामले में जब पुलिस प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राजीव कॉलोनी में चोरों ने देर रात लगभग 3 बजे एक ATM को निशाना बनाते हुए उसमें रखा सारा कैश निकाल लिया और जाते जाते ATM को आग के हवाले कर गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर मौके से कुछ साक्ष्य जुटाए और CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जाँच कर रही है। ये आज रात करीब 3:30 बजे की घटना है और ये जो हमारा सेक्टर 58 थाना का एरिया है, ये SBI का ATM है जिसमें गार्ड भी लगे हुए हैं और जैसे कि पता लगा है कि इसका ATM का शटर बंद कर दिया था गार्ड ने रात 10 बजे। उनकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि रात को 10 बजे के बाद वो बंद कर देते, शटर लगा देते, लेकिन इसमें रात 3:30 बजे के आसपास कुछ सस्पेक्ट लोग आए और उन्होंने ताला तोड़ के शटर खोल के और ATM में से पैसे निकाले हैं। तो इसकी सूचना सुबह पुलिस को गार्ड के द्वारा मिली 6:30 बजे। तो हम इस संबंध में गार्ड से भी पूछताछ कर रहे हैं कि उसको 3:30 बजे पता लग गया था तो सुबह तक क्यों नहीं, मतलब उसी टाइम क्यों नहीं बताया पुलिस को? अगर जानकारी में हो, CCTV फुटेज आई हो कि कितने लोग थे और कितने पैसे उसमें से निकाल कर? CCTV फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसमें से कुछ कैश निकाल के लेके गए हैं और इसमें जो गार्ड जिन कंपनी का है उन गार्ड के जो सुपरवाइजर हैं उनसे बात हुई है और अभी बैंक का कोई अधिकारी ATM पर नहीं पहुंचा है और पुलिस को अभी कोई लिखित में या वैसे कोई बैंक की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है कि उन्हें कितने पैसे थे, कितने पैसे बचे हुए थे, कितने उसमें से मतलब ट्रांजैक्शन के माध्यम से आम जनता ने निकाले थे और अभी जो बचे हुए थे वो कितने पैसे थे इसका अभी फिलहाल इसमें कितना कैश था इसके बारे में अभी बैंक कर्मियों से बात नहीं हो पाई है। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।